प्रिय छात्रों, आज से हम प्रारंभ करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का अध्ययन करना। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन, हमारे पाठ्यक्रम में यूपी बोर्ड के एक अक्षर से ही प्रारंभ हो जाता है। कक्षा 9-10 में इम्परेटिव सेंटेंस तक पूछा जाता है। डायरेक्ट एंड द डायरेक्ट स्पीच के नियमों को हम ये सीखेंगे तो 5 प्रकार के वाक्य होते हैं, एसर्टिव, इम्परेटिव, एसर्टिव सेंटेंस, इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला होता है एसर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लामेटिव सेंटेंस, पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस मतलब निश्चयात्मक वाक्य या साधारण वाक्य कह सकते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव एंड निगेटिव, स्वीकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य या आज्ञार्थक वाक्य। तो ये 3 प्रकार के सेंटेंस का अध्ययन करना पड़ता है हाई स्कूल तक, अर्थात 9-10 में। जो छात्र 9-10 के हैं वो 3 प्रकार के सेंटेंस का अध्ययन करेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं इन सेंटेंस का जो है। बाकी इंटरमीडिएट में या कक्षा 11-12 में 5 सेंटेंस का अध्ययन करना पड़ता है और 5 सेंटेंस के अलावा भी अन्य चीज़ें, टिपिकल चीज़ें भी सीखना पड़ता है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप जो 9-10 के क्लास के लड़के हैं या छात्र हैं, वो इम्परेटिव सेंटेंस तक उनको तैयार करना है। और जो बाकी कंपटीशन के छात्र हैं या कक्षा 11-12 तक के छात्र हैं, वो 5 सेंटेंस तैयार करना है। तो देखते हैं, हम पढ़ते हैं, इसको अध्ययन करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट माने प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट माने अप्रत्यक्ष, स्पीच माने कथन, स्पीच माने कथन। स्पीच शब्द स्पीक से बनता है, स्पीक माने बोलना होता है, स्पीक स्पोक स्पीकर, स्पीक स्पोक स्पोकन। तो स्पीक से बनता है स्पीच, नाउन बनता है स्पीच माने कथन। और दूसरा होता है, इसको कहते हैं नरेशन भी कहते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन शब्द नैरेट से बनता है, नैरेट माने कहना बताना। तो नैरेट, NARRAT, नैरेट माने कहना बताना। तो उससे भी नैरेट, नैरेटेड, नैरेटेड सेकंड थर्ड फॉर्म बनती है और नरेशन माने कथन होता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं, दूसरे इसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं। ये तो रही शब्द की बात। अब देखिए क्या चीज़ है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अंग्रेजी भाषा में बातचीत करने या लिखने के 2 ढंग होते हैं, या किसी चीज़ बताने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो किसी के कही हुई बात को उसी शब्दों में कह देना, इसको हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। कोई व्यक्ति कोई चीज़ कहता है, दूसरा व्यक्ति उसी के शब्दों में वो शब्द कहता है या उसी के शब्दों में कोई चीज़ बता देता है, तो उसको डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। जैसे देखिए प्रत्यक्ष कथन, इसमें स्पीकर के कहे हुए शब्द का ज्यों का त्यों लिखा जाता है या बोला जाता है। और डायरेक्ट स्पीच को जो है डबल इन्वर्टेड कामाज में के अंदर लिखा जाता है। डायरेक्ट स्पीच को डबल कामाज के अंदर लिखा जाता है। जैसे देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है, एक आगे द टीचर सेड टू मी आई एम योर टीचर। द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मैं तुम्हारा अध्यापक हूँ। अब यहाँ पर आई एम योर टीचर, ये डायरेक्ट कथन है या डायरेक्ट स्पीच है, प्रत्यक्ष कथन है या डायरेक्ट स्पीच है। अब इसमें देखना है, इसके समझ लेना है इसको क्या चीज़ कहते हैं। जैसे द टीचर सेड टू मी आई एम योर टीचर, इसमें इसके 2 पार्ट हैं।
द टीचर सेड टू मी, इसके दो भाग हैं, दो पार्ट है कह सकते हैं। पहला पार्ट है द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा। अब ये टीचर ने ही इसके बाद कामा लगा होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको एक पार्ट बोलेंगे, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। आपको ये ठीक से माइंड बैठा लेना है किसको कहते क्या हैं। तो इसको कहेंगे आप रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। ये तुम्हारा रिपोर्टिंग स्पीच है। और जो डबल इन्वर्टेड कामात के अंदर होता है, अर्थात जो किसी के कहा हुआ कथन होता है, जो किसी का कहा हुआ कथन होता है, उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो ये चीज़ माइंड में आपको अच्छी तरह बैठा लेना है कि रिपोर्टिंग किसको कहते हैं और रिपोर्टेड किसको कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो ये चीज़ ठीक से समझ लीजिए, जो कामा से पहले होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और जो कामा के डबल कामा डबल कामास के अंदर होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग इसमें इंग लगा हुआ है, उसमें ईडी लगा हुआ है, रिपोर्टेड में रिपोर्ट किया गया, सूचना दी गई, अर्थात जो मेन सूचना दी जाती है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और जो कामा के पहले होता है जिसमें उसमें रिपोर्टिंग स्पीच तीन चीज़ें होती हैं, ध्यान रखेंगे रिपोर्टिंग स्पीच तीन चीज़ें होती है। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच में तीन चीज़ें होती हैं, एक तो बोलने वाला होता है, एक बोलने वाला हो जाएगा, दूसरा सुनने वाला हो जाएगा, और तीसरा क्रिया हो जाएगी। अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच के तीन पार्ट, जैसे द टीचर सेड टू मी में तीन, द टीचर सेड टू में तीन पार्ट हो जाएंगे। एक तो द टीचर होगा स्पीकर, बोलने वाला, इसको सब्जेक्ट भी कहेंगे। अर्थात जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है उसके तीन पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट कहने वाला हो जाएगा जो बोलता है, और ऑब्जेक्ट जो सुनता है, और जो क्रिया होती है उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो तीन पार्ट हो जाएंगे इसके, स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट स्पीकर सब्जेक्ट कह सकते हैं, कर्ता कह सकते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच का रिपोर्टिंग स्पीच में तीन पार्ट होंगे, कर्ता, क्रिया, कर्म। समझ में आ गई होगी आप लोगों की बात जो है। हाँ देखिए, तो रिपोर्टिंग स्पीच तीन पार्ट हो जाएंगे, स्पीकर, रिपोर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये चीज़ माइंड में बैठा लेना है कि रिपोर्टिंग स्पीच को किसको कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच को किसको कहते हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच जो कामा से पहले पार्ट होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और उसके तीन पार्ट को ध्यान बैठा देना है तभी, क्योंकि जो भी नियम बताए जाएंगे इन शब्दों का बार बार प्रयोग होगा तो आपको कोई भ्रम ना पड़े, इसलिए ठीक समझ लेना आपको कि रिपोर्टिंग स्पीच किसको कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं। तो देखिए इसमें रिपोर्टिंग स्पीच होगा द टीचर सेड टू मी, रिपोर्टिंग स्पीच के तीन पार्ट हैं, स्पीकर या सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब या क्रिया, और ऑब्जेक्ट या सुनने वाला जो है। अब रिपोर्टेड स्पीच जो भाग जो है डबल कामास के अंदर लिखा होता है और उसे जो है रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, अर्थात ये किसी के कहे हुए किसी के कहे हुए शब्द होते हैं, जो यह अर्थ इसका अर्थ होता है रिपोर्टेड स्पीच सूचना दी गई। ध्यान रखेंगे रिपोर्टेड में सूचना दी गई, ध्यान रखेंगे ये डबल कामास के अंदर लिखा जाता है। अब इसका जो है ये तो डायरेक्ट कथन हो गया, डायरेक्ट स्पीच हो गया, जिसके दो पार्ट होते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच तीन पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच में जो डबल कामास के अंदर लिखा जाता है। अब इनडायरेक्ट स्पीच देखिए क्या है, जब जब वक्ता के कहे हुए शब्दों को ना कह करके, जब वक्ता के कहे हुए शब्दों को, देखिए जब वक्ता के वास्तविक शब्दों को ना कहकर उसके भाव को अपने शब्दों में प्रकट करते हैं तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे देखिए ये था द टीचर सेड टू मी आई एम योर टीचर, तो ये हो जाएगा द टीचर टोल्ड मी दैट ही वाज माई टीचर। ये हो गया द टीचर टोल्ड मी दैट ही वाज माई टीचर। कैसे हुआ, इसमें किन नियमों का पालन किया गया, इसका हम लोग अध्ययन करना है। पहले तो हम देखेंगे सामान्य नियम क्या है, एसर्टिव क्या, इसके सामान्य नियम क्या हैं।
कैसे बदलते हैं सामान्य नियम जो है एसर्टिव सेंटेंस देखने में, जैसे बताया है कि पांच प्रकार के सेंटेंस होते हैं, इससे पहले से एसर्टिव सेंटेंस होता है तो हमें एसर्टिव सेंटेंस का अध्ययन कर लेना है, क्योंकि एसर्टिव सेंटेंस सभी सेंटेंस एसर्टिव सेंटेंस के नियम जो होते हैं वो सभी प्रकार के सेंटेंस में लागू होते हैं। एसर्टिव सेंटेंस कौन होते हैं, इसका हिंदी अर्थ होता है निश्चयात्मक वाक्य। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में स्वीकारात्मक वाक्य, निगेटिव से नकारात्मक वाक्य, अर्थात इन नियमों पहले सीखना है, इन सही प्रकार के सेंटेंस के नियम पहले सीखना है। जैसे मान लीजिए कहा जाए मैं कक्षा में पढ़ाता हूँ तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, मैं कक्षा में नहीं पढ़ाता हूँ निगेटिव सेंटेंस हो गया। ये एसर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं, पहले इसके नियम सीखना है। तो पहले सामान्य परिवर्तन क्या होते हैं, देखिए हम इधर एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक सरल एग्जाम्पल लेकर के बताने प्रयास करेंगे क्या परिवर्तन सामान्य परिवर्तन क्या होते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है डायरेक्ट में, मोहन सेज ही इज गोइंग टू लखनऊ, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट में मोहन सेज सेज, यहाँ दैट लग जाएगा, यहाँ पर एक छोटा हो गया ही इज गोइंग टू लखनऊ। अब देखिए ये हो गया है मोहन सेज ही इज गोइंग टू लखनऊ, ये हो गया मोहन सेज दैट ही इज गोइंग टू लखनऊ। कोई विशेष परिवर्तन नहीं, बहुत सरल वाक्य लिया गया, कोई ज़्यादा नियम नहीं लागू होते हैं। और इसमें सामान्य परिवर्तन देखिए क्या क्या चीज़ हुए हैं, जब डायरेक्ट सिंडायर बदले हैं तो मोहन सेज, पहला नियम कि रिपोर्टिंग स्पीच, ये जानते हो रिपोर्टिंग स्पीच है ना, मोहन सेज जो कामस पहले पार्ट है वो रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच के बाद का कामा हटा देती है, यहाँ कामा हट गया, अगर डायरेक्ट सिंडायर बदलोगे तो रिपोर्टिंग स्पीच के बाद का कामा हटा दिया गया, मोहन सेज हो गया। और रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच के डबल इन्वर्टेड कामाज को हटा देते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के बाद का कामा हटाएंगे पहला नियम, और रिपोर्टेड स्पीच के डबल इन्वर्टेड कामाज को हटा देते हैं, एक चीज यूज किया गया है। दूसरी चीज़ रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग किया गया, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग दोनों जोड़ने के लिए दैट प्रयोग होगा जो है। जब दैट प्रयोग है तो एक वाक्य जुड़ गए, जब ये एक वाक्य जुड़ गए तो यहाँ पर एच जो कैपिटल था वो ये छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, सेंटेंस एक ही हो गया है। तो देखिए मोहन सेज ही इज गोइंग टू लखनऊ, ये हो गया मोहन सेज दैट ही इज गोइंग टू लखनऊ हो गया। तो देखिए क्या क्या परिवर्तन किया है, पहला परिवर्तन किया गया इसमें कि रिपोर्टिंग स्पीच के बाद का कामा एवं रिपोर्टेड स्पीच के डबल इन्वर्टेड कामास को हटा देते हैं। एसर्टिव सेंटेंस में, प्रायः एसर्टिव सेंटेंस में अर्थात निश्चयात्मक वाक्यों में या साधारण वाक्यों में रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन का प्रयोग होता है, कंजंक्शन क्या नाम है, दैट कंजंक्शन या कनेक्टिव का प्रयोग करते हैं। दूसरा चीज़ इसमें देखिए कि अगर मान लीजिए इसमें जो है जो जब वाक्य जुड़ जाते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच का पहला शब्द छोटा हो जाएगा, अर्थात कैपिटल से वो स्मॉल हो जाएगा, यच ही में एच छोटा हो गया। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम, दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है आई से टू हिम, मैं उससे कहता हूँ दे आर नाट गुड फ्रेंड्स, वे अच्छे दोस्त नहीं हैं, दे आर नॉट गुड फ्रेंड्स, वे अच्छे दोस्त नहीं हैं। एसर्टिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, एसर्टिव का नेगेटिव है, इसमें नॉट लगा हुआ है, इसमें अफर्मेटिव था ही इज गोइंग टू लखनऊ, ये नेगेटिव आ गया एसर्टिव का जो है। इसमें देखिए क्या परिवर्तन हो जाएगा, आई से टू हिम, अब देखिए एक परिवर्तन और करते हैं इसमें, पहला परिवर्तन क्या करते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच के बाद का कामा एवं रिपोर्टेड स्पीच के डबल इन्वर्टेड कामास को हटा देते हैं, जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। और तीसरा जो प्रयोग करेंगे, दूसरा नियम है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच में बाद में रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट हो तब, देखिए रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट है, तीन पार्ट रिपोर्टिंग स्पीच में हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्रिया वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। तो रिपोर्टिंग स्पीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को से टू को टेल में, से टू को टेल में
सेज टू को टेल्स में और सेड टू को टोल में बदल देते हैं। देखिए से टू को टेल में, तो यहां पर देखिए से टू लिखा हुआ है तो टेल हो जाएगा। आई हाँ देखिए ये हो जाएगा आई से टू हिम का आई टेल हिम हो जाएगा। आई टेल हिम हो गया। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है आपको इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टिंग स्पीच में यदि ऑब्जेक्ट है तो से टू को टेल में, सेड टू को टोल में, टोल्ड में और सेज टू को टेल्स में, सेज टू को टेल्स में बदल देती है। अगर मान लीजिए बिल से होगा, ऐसे कहा जाए आई बिल से टू हिम, आई सेल से टू हिम, तो आई आई सेल टेल हो जाएगा, से हट जाएगा जो है, इस प्रकार से बदल देते हैं। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट है तो से टू को टेल में, सेड टू को टोल्ड में और सेज टू को टेल्स में बदल देते हैं। यहाँ आई से टू हिम था तो आई टेल हिम हो गया। अब यहाँ देखिए मोहन सेज था केवल जो है, इसमें बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए मोहन सेज ही रहेगा। बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग स्पीच में अर्थात इसमें जो कामस पहले होता है रिपोर्टिंग स्पीच में, यदि इसमें ऑब्जेक्ट होता है तो सेटू को टेल में, सेडटू को टोल में और सेजटू को टेल से बदल देते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं तो सेज ही रहेगा या से रहेगा उसमें। तो इसीलिए दूसरा एग्जांपल मैंने लिया दूसरे प्रकार का, तो हो जाएगा आई टेल हिम, जोड़ने के लिए दैट लग जाएगा वही चीज़ दैट दे आर Not good friends, इस प्रकार। तो ये हो गया I say to him का they are not good friend, I tell him that they are not good friends हो जाएगा। इसमें कोई विशेष परिवर्तन वाला वाक्य मैंने नहीं लिया है क्योंकि प्रारंभ में अभी कोई नियम नहीं बताया गया, इसलिए ऐसे नियम लिए, ऐसे एग्जाम्पल लिए गए, साधारण एग्जाम्पल लिए गए। तो इस प्रकार से ये जो है सामान्य नियम है जो लागू किए जाते हैं असर्टिव सेंटेंस में। फिर से देख लीजिए नोट्स में देख लीजिए कैसे बदलना है। रिपोर्टिंग स्पीच के बाद का कामा था रिपोर्टेड स्पीच के डबल कामास को हटा देती है, पहले परिवर्तन। दूसरा दोनों को जोड़ने के लिए अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करती हैं। तीसरा रिपोर्टिंग स्पीच में यदि ऑब्जेक्ट होता है तो से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में एंड सेट टू को टोल्ड में बदल लेते हैं। तो ये सामान्य नियम हो गए तुम्हारे जो है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच परिवर्तन में सामान्य नियम है सिंपल एसर्टिव सेंटेंस के लिए या साधारण वाक्यों के लिए। और ये नियम सभी में लागू होंगे, सभी प्रकार नियम में, सभी प्रकार सेंटेंस में लागू होंगे। तो ये तो सामान्य परिवर्तन हुए। अब जो है देखेंगे आप, अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने में ध्यान देखना है आपको जो है क्या क्या परिवर्तन करना है। देखिए जो भी परिवर्तन होना है, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टिंग स्पीच में देखा मैंने जो है, रिपोर्टिंग स्पीच में क्या करते हैं असर्टिव सेंटेंस में, केवल बाद का कामा हटा देती है, बाद का कामा हटा देती है। रिपोर्टिंग स्पीच में केवल बाद का कामा हटा दिया गया, ये कामा हट गया जो है, बाकी इसकी क्रिया बदल दिए हैं। सेटू को टेल्स टेल हो गया है और इसमें कोई परिवर्तन करने की तुमको आवश्यकता नहीं होती है। क्या करना है आपको, केवल बात का कामा हट जाएगा इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में, और इसमें केवल क्रिया बदल सकती है जब बाद में ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट नहीं तो क्रिया भी नहीं बदलेगी जो है। बाकी जो भी परिवर्तन होते हैं वो सब रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं, किस में होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में होते हुए। अब रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, एसर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में तीन परिवर्तन होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में तीन परिवर्तन होते हैं। एक तो परिवर्तन होता है रिपोर्टिंग स्पीच में जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, इसमें जहाँ भी पर्सनल प्रोनाउन दिए होंगे वो बदल जाएंगे। तो एक नियम हमको ये सीखना है कि रिपोर्टिंग स्पीच के पर्सनल नाउन में, रिपोर्टेड स्पीच के पर्सनल नाउन में परिवर्तन,
ये कैसे बदलेंगे इसका हम अध्ययन करेंगे अगले दिन जो है, कि पहला परिवर्तन होता है रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए पर्सनल प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज होते हैं मैं तालिका बना करके समझाने का प्रयास करूँगा। दूसरा परिवर्तन, रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का परिवर्तन हो सकता है, रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया के टेंस में परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन होता है रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया के टेंस में परिवर्तन, इसमें जो क्रिया टेंस होगा मान लो दे आर प्रयोग है तो आर बदल सकता है, अगर नियम कैसे बदल सकता है। तो ये परिवर्तन सीखना है कि रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया के टेंस में परिवर्तन। तीसरा परिवर्तन हमको इसमें सीखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन, ये परिवर्तन हमको सीखना है। समझ गए अच्छी तरह से? देखिए पहले क्या क्या मैंने बताया है, इसके दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में केवल क्रिया बदलती है, अर्थात सेस टू को टेल में, टेल्स में सेट टू को टोटल में और सेट टू को टोल में बदल देते हैं, और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल बाद में कामा हट जाता है, जोड़ने दैट लगता है। अब दैट लगने में जो भी परिवर्तन होते हैं वो सब रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं। अब रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या परिवर्तन होना है, मैंने तीन चीज परिवर्तन करना है इसमें। एक तो इसके पर्सनल प्रोनाउन जब जहाँ आए बदल सकते हैं, इसके दिए हुए पर्सनल प्रोनाउन बदलने का नियम होता है। दूसरा नियम होता है इसके रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुई क्रिया का टेंस में परिवर्तन होता है। तीसरा, इसमें अगर निकटता सूचक शब्द आया है तो दूरी सूचक शब्द में बदल जाता है। ये परिवर्तन हमको सीखना है अगले दिन जो है। पहले हमें पहली चीज़ हम सीखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए पर्सनल प्रोनाउंस में परिवर्तन। इसके लिए एक तालिका का हमें अध्ययन करना पड़ेगा, हम तालिका बनाएंगे उसको समझाएंगे फिर इसको सीखेंगे। फिर दूसरा क्या सीखना है, इसकी क्रिया टेंस में परिवर्तन क्या होता है, कैसे होता है। तीसरा, इसके निकटता सूचक शब्दों का दूरी सूचक शब्दों में कैसे परिवर्तन किया जाता है। धन्यवाद, आज इतना ही। फिर जो है कल हम आप लोगों को तालिका समझाएंगे, एक रिपोर्ट प्रश्न पूर्ण तालिका बना करके समझाएंगे, फिर समझाएंगे कैसे प्रश्न पूर्ण परिवर्तन होता है। धन्यवाद, और आज से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आप लोग जो है 9-10 के हों चाहे 11-12 को हो, आप लोग जो है इसका डेली हम पढ़ाने प्रयास करेंगे और विस्तृत रूप समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।